नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए अतुल माहेश्वरी एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो वीडियो के अंत जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है अगर मेमोरी को कोर्ट में ये लिखा जाता है तो उसी कोर्ट में रूम को रोम को क्या लिखा जाएगा अब मेमोरी का कोड हमारे पास ये दे रखा है तो उसी भाषा में हमें क्या है रोम को देखना है अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम इसका कोड लिखते हैं एम ई एम ओ आर वाई ये कोड हमारे पास ये दे रखा है अब देखिए एम का कोड तो तेरह होता है ये पाँच पर आता है ये तेरह पर तो ऐसा कोड अब ऐसा कोड तो यहाँ पर है ही नहीं तो अब हम क्या सोचना है कि इसका क्या हो रहा है जिसमें ये अक्सर दिया उसी में से लिखना है कैसे करना है देखिए अब जैसे हमारे पास मेमोरी दे रखा, अब रोम दे रखा, अब देखिए हमें ये मानना है एम ई e, ये हमारे पास मेमोरी है तो उसका कोड लिखते हैं आठ चार आठ सात दो नौ अब ये जैसे वाई का कोड नौ है आर का दो है ओ का सात है एम का आठ है ई का चार है और एम का आठ है यानि कि इनकी यानी कि एम का आठ है ई ठीक तो है तो मैं ऐसे लिखते हैं आर एम ई e, रो में हमारे पास तो देखिए आर का कोड यहाँ पर लास्ट में दो यहाँ पर दो तो यहाँ पर आर का कोड दो हो जाएगा ओ है ओ तीन नंबर पर यहाँ ओ का सात हो जाएगा ठीक है एम यहाँ पर एम यहाँ पर इसका आठ है तो आठ हो जाएगा एम का और ई e हमारे यहाँ पर चार इनकी ये हमारे पास कोड आ चुका है पर सत्ताईस चौरासी कौन सा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोम को साइस चौरासी कोड में लिखने वाले हैं अब अगर हमारा नेक्स्ट है प्रोहिबिशन को अगर ये लिखा जाता है तो इनहिबिशन को क्या लिखा जाएगा अब देखिए वैसे ही करते कि पी सोला पर पी सोला पर सॉरी पी सोलह पर है तो यहाँ पर तो क्या है छह आ रहा है हो नहीं सकता अठार आर अठारह पे यहाँ तो आठ ही आ रखा है वो पंद्रह में आए तो जीरो आ रखा है तो क्या संख्या मतलब ये इसका जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ऐसा ही सवाल है अब देखिए जैसे पी आर ओ ओ एच आई बी आई टी आई बी टी ये हमारे पास है ना तो ये पी का हो जाएगा आर का आठ इस जीरो का, का जीरो हो जाएगा एच का तीन आई का दो बी का एक आई का वापस दो टी का चार और ये आई का वापस दो ओ का जीरो और एन का पांच ये कोड दे रखा है ऐसे ही करना आप देख कैसे करते आई एन एच आई बी आई टी ऐसे दे देते आई का कोड आई का कोड यहाँ पर तीन नंबर से देख लेते हैं पीछे से तीन नंबर दो है तो आई का कोड दो हो जाएगा एन यहाँ पर लास्ट में है तो यहाँ का पांच हो जाएगा ठीक है एच एच यहाँ सी चार नंबर पे चार नंबर पे यहाँ तीन, तो तीन है तो तीन आ जाएगा ठीक है आई आई का वापस दो हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है फिर बी बी का यहां से बी का यहाँ एक हो जाएगा ठीक है फिर वापस टी का तो यहाँ पर आई का तो आपस दो हो जाएगा टी का देखते हैं टी का लास्ट में चार चार फिर वापस आई का दो और एन का हो जाएगा हमारा पांच तो यहाँ पर ये इसका लिखा है दो सौ तिरपन दो सौ त्रेपन दो सौ बारह और

बाईस पाँच पर यहाँ तो बिल्कुल भी अलग आ रहा है ठीक है तो ये तो हो ही नहीं सकता अब देखिए ये H है H आठ पर एक बीस और पाँच यहाँ लगे इनकी क्या करना है इसको भी हमें नकल करनी अब हमारे पास क्या दे रखा है सिक्स अब छः सब छः है तो छः यहाँ पर देखते किसका कोड है यहाँ पर तो छः नहीं तो इसका करेंगे नहीं छः यहाँ पर है छः यहाँ पर है छः का कोड यहाँ पर दो नंबर पे क्या है टी है तो टी आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ है छ चार अब चार यहाँ पर दो नंबर पे आर यहाँ पर है तो ए हो जाएगा चार का फिर यहाँ पर एक आ, वन, वन 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 अब देखिए वन कोड है एल का ये रहा एल तो वन हो जाएगा एल का फिर हमारा सात है सात हमारा टी का यानी कि टेल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है इस चौसठ सत्रह को क्या लिखा जाएंगे टेल लिखा जाएगा ठीक है अगला हमारा नेक्स्ट है अधिग्री श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है गलत संख्या कौन सी देर की है जिसका प्रयोग यहाँ पर गलत हुआ है अब देखिए जैसे यहाँ पर करते हैं कितना प्लस हुआ जीरो प्लस हुआ वापस प्लस दो यहाँ पर प्लस दो प्लस दो हो रहा है तो यहां पर देखिए अब क्या हो रहा है कि जीरो प्लस एक यहाँ पर सॉरी प्लस एक हो रहा है इसके अंदर वापस प्लस दो तो अब ये क्या करना है प्लस तीन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस जी जीरो प्लस फिर यहाँ प्लस एक हुआ फिर यहाँ प्लस दो हुआ ठीक है तो दो वापस प्लस तीन होना चाहिए तो चौमालीस में अगर हम चौमालीस और तीन जोड़ेंगे कितना होगा फोर्टी सेवन होगा यहाँ पर फोर्टी सेवन है लेकिन फोर्टी एट है तो गलत प्रयोग किसका और फोर्टी एट का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि फोर्टी एट का यहाँ पर यहाँ पर गलत प्रयोग हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है एक और छह के अंदर कितना प्लस हुआ प्लस हुआ हम कहेंगे प्लस हुआ पांच ठीक है छरह के अंदर कितना प्लस हुआ प्लस का हुआ हमारा सात ठीक है वापस तेरह और बाईस के अंदर कितना प्लस हुआ नौ क्या तो करे प्लस दो प्लस दो और प्लस नौ और दो ग्यारह ग्यारह और बाइस हमारा हो जाएगा थर्टी थ्री यानी कि तैंतीस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट यहाँ पर क्या आएगा तैतीस आएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है अगला हमारा है फायरवुड को ये लिखा जाता है फ्रैक्शंस को क्या लिखा जाएगा अब फायरवुड को अगर ये लिखा जा रहा यहां है देखिए यहाँ पर लगभग इसमें जो अक्सर है वही इसमें है यानी कि लगभग क्या इनका उल्टा अक्सर ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं एफ आई आर ई फ्रायर वुड वापस लिखते हैं ई आर आई एफ डी ओ ओ डब्लू अब देखिए यहां पर करते हैं एफ यहाँ पर आई यहाँ पर आर यहाँ अक्सर उल्टा सीधा हो रहा है ठीक है अब डब्लू डब्लू यहाँ वो तो सीधा वो उल्टा सीधा हो गया तो यहां पर क्या करना मैं उल्टा लिखना अब जैसे ये लिखते हैं एफ आर ए सी टी आई ओ एन पहले तो हम क्या करना चार अक्सर में इनको बांट देते हैं यहाँ से चार ये अलग हो गया देखिए एफ सी ए आर एफ ये होगा फिर होगा एन ओ आई टी तो यहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए विकल्प शामिल से बन सकते हैं यानी कि हमारे पास प्रे, प्रेपरेशन प्रे, दिया रखा है तो उसमें से कौन सा अक्षर ये बनने वाला है जिससे अक्सरों की से हम ये बना सकते हैं अब देखिए पी ए पैम्पर पैम्पर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर एम एम का प्रयोग यहाँ है ही नहीं तो ये तो बन ही नहीं सकता अगला है आर रिपीट आर ई पी ई डबल ई है डबल ई e इसमें है ही नहीं क्योंकि डबल ई कहाँ यहाँ तो यहाँ डबल है लेकिन यहाँ ए ही तो ये भी नहीं बन सकता ठीक है अगला है पी ए आर यहाँ पर भी डबल टी है डबल टी, टी और डबल आई है तो यहाँ पर तो एक आई और एक टी है तो ये भी नहीं बन सकता लेकिन पैरोट जैसे पैरोट देखते हैं पी ए भी है आर डबल है ये रहा देखिए आर डबल एक आर और एक एक आर तो पैरोड अक्सर है वो हम इसे प्री, से हम इसे से पैरोड पैरोड शब्द बना सकते हैं ठीक है है अब अगला दिए यहाँ पर इकसठ से आपको विषम संज्ञा है? है क्या है, है? 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 विषम संज्ञा बाकी एक सौ आठ एक सौ आठ छत्तीस और चौरासी क्या एक संख्या है और ये सेट क्या है एक विषम संख्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला जैसे ऑक्सीजन का जलाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अब देखिए ऑक्सीजन जैसे कि हम हैं कि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग क्या है दहन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी तो ऑक्सीजन का प्रयोग अगर जलाने में होता है तो उससे प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में काम आएगी यानी कि ऑक्सीजन अगर कार्बन

अब ये तो यहाँ पर दो रहेगा लेकिन हमें तो, ये हमें तो, एक पर, एक तो एक पर आता, तो दो अगला देखते, एन आता है, है और हमारा एन तो चौदह पर आता तो ये कैसे हुआ, आप रही हुआ, कैसे? ये कैसे हुआ? कि ऐसे हुआ कि एम कितने पर आया तेरह पर आया तेरह को लिखेंगे अब तेरा को एम कौन सा फर्स्ट नंबर वाला अक्सर है तो फैला तो इधर को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा तेरा हुआ हुआ तेरा तो ये मान लिया अब ये है ये एक पर आता है एक को अगर हम किससे गुणा करें ये दो नंबर वाली संख्या है तो दो नंबर पे तो कितना आएगा दो आएगा ठीक है फिर आता एन, है एन चौदह कौन सी संख्या कितने नंबर पे तीन नंबर पे तो कितना होगा बयालीस ठीक है ऐसे ही करते हैं जी सात पर कौन से अक्षर, सी सात पर कौन सा आठ कितना हो रहा है अट्ठाईस आ रहा है हमारे पास ओ पंद्रह पर कितना पांच कितना होगा पिछहत्तर हो रहा है पिछहत्तर ऐसे ही करना है दे ये करते हैं ए, एक, पर, एक को एक से गुणा किया कितना हुआ एक तो एक आने वाला है अब पी है पी आता है हमारे सोलह पर तो यहाँ पर दो नंबर पे है तो कितना होगा बत्तीस वापस पी है तो सोलह गुणा करेंगे तीन से कितना आएगा अड़तालीस एल बारह पर गुणा करना है चार से अड़तालीस ठीक है फिर आता है ई पा, पांच पर पांच गुणा पांच पर पांच हो जाएगा पच्चीस तो यहाँ हमारा हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी एक बत्तीस अड़तालीस अड़तालीस पच्चीस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगले देखिए दिशा से संबंधित प्रश्न आया कि मैं पंद्रह मीटर उत्तर की ओर गया जैसे हम बनाते हैं कि बोल रहा है कि मैं पंद्रह मीटर है यहाँ से करते हैं शुरू यहाँ से शुरू किया उसने वो पंद्रह मीटर कितना गया उत्तर की ओर उत्तर की ओर पंद्रह ये पंद्रह हो गया ठीक है उत्तर की ओर पंद्रह गया फिर मैं अब यहाँ से उसका मुंह है यहाँ पर ठीक है अब वो वो पश्चिम में दस मीटर अब यहाँ से जाएगा पश्चिम में दस मीटर मीटर गया ठीक है फिर मैं अब यहाँ पर उसका मुँह है पश्चिम की ओर फिर वो दक्षिण की ओर गया अब दक्षिण पश्चिम की ओर गया अब अब बस दक्षिण की ओर कितना गया पाँच मीटर तो यहाँ पाँच हो जाएगा ठीक है तो अब पाँच गया और पूर्व की ओर अब पूर्व मुड़े कैसे इधर मुड़ा इधर

मैं आरंभ स्थान से किस दिशा में हूँ आरंभिक स्थान से उसका हो जाएगा हमारा दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अगला है हमारा एग्जामिनेशन को अगर ये लिखा जाए तो उसी कोट में पॉलिशंस को क्या लिखा जाएगा अब एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन को अगर ये लिखा जा रहा है जैसे देखते हैं एग्जामिनेशन अब देखिए यहाँ पर लगभग सेम कोड लग रहा है कि अक्सर सब तो सेम आ रहे अब देखिए यहाँ से कर ए एम आई एन ए टी आई ओ एन यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ एन तक ये वाले अक्षर यहाँ से लेकर एन तक अक्षर सेम है लेकिन पीछे वाला क्या उल्टा हो रहा है ठीक है तो इसको भी ऐसे करते हैं जैसे हम यहाँ से दो नंबर से शुरू करते हैं दो नंबर शुरू करेंगे यहाँ तक लगभग सेम लिखे टी आर ए पी ओ एल ए टी आई ओ एन यहाँ तक तो ये हमारा सेम हो गया अब अगली वाले अक्षर को क्या करना है अब जैसे यहाँ पर ई था तो यहाँ पे ई ई आएगा पहले फिर आएगा एक्स तो यहाँ पर हमारा ये होगा एन ई टी आई ओ एन ई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अगला हमारा है कि आर्य को चुनिए जो गौराया पक्षी और बिल्ली तो ये तो बहुत इजी है कि गौराया पक्षी और बिल्ली है तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर होगा पक्षी पक्षी के अंदर कौन सा आएगा गौरा या ठीक है और यहाँ पर बिल्ली क्या एक अलग हो जाएगा बिल्ली क्या एक अलग हो जाएगा और ये पक्षी और ये क्या है पशु है ठीक है अब अगला हमारा है आर्य को दिए गए वर्णों के बीच आलू सब्जी और खाद्य सामग्री और ये भी बहुत ईजी है क्योंकि ये वाला गोला इसका राइट क्यों होगा ये वाला गोला कि यहाँ पर देखिए पहले सब्जी आएंगी सॉरी पहले खाद्य सामग्री आएगी खाद्य सामग्री फिर खाद्य सामग्री क्या आएगी सब्जियाँ और सब्जियों में क्या आएगा फिर आलू ठीक है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है अगला अगला हमारा है यहाँ पर जैसे अगला है निम्नलिखित को आकृति दिन वर्ड्स और महीने आकृति है दिन वर्ष और महीने में दर्शाना है तो ये भी बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा दिन दिन के बाद क्या होगा महीना और महीने के बाद क्या होगा एक वर्ष होगा तो ये हमारा ऑफ नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑफ नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे ये अगला चुनना है रात्रि अगर प्राप्त काल है तो रात्रि का रात्रि अगर प्राप्त काल है तो रात्रि का संबंध किससे तो रात्रि अगर जिस प्रकार रात्रि के बाद क्या होता है रात्रि के बाद क्या होगा प्राप्त काल होगा तो उसी प्रकार सायकाल के बाद क्या होगा प्राप्त काल होगा तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है अगर घोड़े के खुर है तो उससे संबंधित कौन सा है मनुष्य के पैर कुत्ता काला पैसा रुपया पेंस पेंसिल तो ये तो क्या है ये क्या एक सामग्री है किसकी लेखन सामग्री ये क्या है ये क्या है पैसे रूपए मतलब ये तो किसी मतलब रूप मतलब क्या साधन है पैसों का ठीक है और गुत्ता काला ये क्या है 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 विशेषण बता बता रहा बता रहा विशेषता तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि जिस प्रकार चलने के लिए घोड़ों के पास खुर है उसी प्रकार मनुष्य के पास क्या है चलने के लिए क्या है पैर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है यहाँ पर ये यह पी दे रहा है ठीक है यहाँ पर पी दे रहा है यहाँ पर कितने ऐसे ही सीरीज दे रही है कितने ऐसे पी क्यू एस है जिसके क्यू मध्य में और पी और एस किसी भी छोर पर अब यहाँ पर जताना कि ऐसे कितने क्यू है जिनके आसपास क्या होना चाहिए बीच में क्यू होना चाहिए लेकिन आसपास पी हो या एस हो दोनों में से एक इनका कोई क्रम नहीं है कि पी ऐसे पहले आना चाहिए या क्यू ऐसे सिर्फ आपको बताना है कि उनके आस पास ये अक्सर होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर पी क्यू है लेकिन यहाँ पर पी है लेकिन एस है तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है अगला क्यू है और पी भी है तो एक ये हो गया ठीक है फिर क्यू एस ये कहीं भी हो सकता है क्यू बीच में होना चाहिए ये भी हो सकता है दो ये हो गया ठीक है अब क्यू है यहाँ जी है ये भी नहीं हो सकता और यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर डी है ये नहीं हो सकता अब देखिए अगला क्यू पी एस ये होगा ये हो सकता है और ये भी हो सकता है यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर ऐसी संख्या होगी ना ऐसी मध्य में तीन बार संख्या होगी जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अगला है रमेश अपनी कार से अब देखिए रमेश अपनी कार उसके पास कार है रमेश के पास कार से वो क्या गया पूर्व दिशा की ओर चार किलोमीटर गया ठीक है अब पूर्व दिशा की ओर है उसका मुँह है पूर्व दिशा की ओर अब उसका मुँह आए और गया तो वो ऊपर जाएगा छ किलोमीटर छ किलोमीटर गया और मतलब कोई भी दे रहा तो उसे को अपन आंसर करते समय अपन को खुद को समझना है ठीक है छः किलोमीटर गया फिर अब देखो उसका मुँह ऊपर है बाई और गया चार किलोमीटर चार बाई और गया तो अब रमेश अपने आरम्भ अब यहाँ पर ये यह पहुँचा है और यहाँ पर यह ये आरंभ तो दूर, स्थान ये वाला है ठीक है तो यहाँ वाली दूरी बतानी है तो बहुत ईजी होगा छः हो, हो जाएगा छः किलोमीटर यहाँ आप पर ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका है छः किलोमीटर ये इसकी दूरी हो जाएगी ठीक है यहाँ पर छे तो ये छः हो जाएगा ठीक है अगला है हमारा ए माइनस ए चार माइनस चार सत्रह छः माइनस छहतीस दो माइनस दो पाँच तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम चार चार को चार से गुणा करते हैं ठीक है प्लस का करेंगे इतना सोलह प्लस एक कितना होगा सत्रह ठीक है और छह गुणा छ माइनस का एक ठीक है सॉरी प्लस का एक छत्तीस प्लस एक कितना होगा सैतीस हो रहा है दो गुणा दो प्लस एक चार प्लस एक बराबर पाँच अब पाँच का बताना पाँच गुणा पाँच प्लस एक कितना पच्चीस प्लस एक हो जाएगा छब्बीस ऑप्शन इजीली इसका राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला प्रश्न है कि रामू की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र राम से क्या संबंध अब देखो रामू की सास जैसे हम लिखते हैं रामू ठीक है रामू की क्या होगी रामू को कौन है रामू की सास रामू की सास की इकलौती रामू की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र इकलौती पुत्री का पुत्र रामू से किस प्रकार संबंधी होगा अब रामू की सास है और उसकी इकलौती पुत्री यानी कि वो रामू की क्या होगी रामू की क्या होगी उसकी पत्नी होगी और पत्नी का बेट पुत्र क्या होगा पुत्र होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बेटा हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है बहुत इजी प्रश्न था हाँ फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में